करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर मेरठ रोड से कुछ ही दूर पर चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस के नीचे आने से एक साधु बुरी तरह से कुचला गया, जिसको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हम यहां आपको बता दें कि रोडवेज की बस का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। करनाल के हाईवे पर चंडीगढ़ डिपो के बस जैसे ही करनाल से गुजर रही थी तो एक साधु GT रोड पार करते हुए बस के नीचे आ गया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर व कंडक्टर ने तुरंत बस को रोका और घायल को सिविल हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आने जाने के लिए यातायात को दुरुस्त किया और मामले का संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वारदात हरियाणा के करनाल नेशनल हाईवे की है, जहां पर सुबह रोडवेज की बस का कहर फिर से देखने को मिला, जिसके नीचे आने से एक भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति साधु जैसे दिखाई दे रहा था बस के नीचे आने से कुचला गया और बुरी तरह जख्मी हो गया। इस वारदात से आसपास के लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। पैदल था यार। पैदल ही था। हाँ, पैदल था वो। आप हैं जी बस के साथ? क्या कंडक्टर हैं आप? हाँ जी। क्या नाम आपका? क्या दिखा हुआ है? एक महाराज जी दिखा रहा था। खड़े थे बस आ रही थी, हम परली साइड में थे, वो भाग के बैग को भगा के बस के आगे कूद गया अपने आप। और कूदने बाद ड्राइवर ने देख लिया, ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में भगा दिया, तो अगला टायर तो बच गया, पिछले टायर की उसका हाथ के घरों आ गया, तो उसका बचाव हो गया। हालत कैसी है उसकी? हालत बोल भी रहा था, आगे बोल रहा था, हालत हाथ के चोट लगी हुई है और मेडिकल में हमने उसको भेज दिया। गाड़ी रोक दी थी आपने? गाड़ी तो खड़ी होगी थी बिल्कुल वहीं भी। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर उसके साथ मेडिकल में गया हुआ है। क्या नाम आपका? सुधीर। क्या हादसा हुआ? ये अपना एक दिल्ली से बस आई हुई थी, दिल्ली डिपो की, तो एक बाबा एक ग्रिल के साथ से निकल गया था, तो जैसे ही बस सामने से उसने दिखाई तो साइड से बस के आगे कूद गया, तो अगले टायर को तो ड्राइवर ने बचा लिया, पिछले टायर के नीचे उसके हाथ आ गए थे, तो घायल को उसको हॉस्पिटल में भेज दिया। कैसी हालत है उसकी? अभी तक तो ठीक है, हाथ पे चोट लगी हुई है उसको। तो बस को रोक लिया? हाँ, बस को रोक लिया। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी इनका एड्रेस वगैरह लिखकर जैसे ड्राइवर आएगा इसको चौकी में लेकर जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।